दिनेश जी, मैं आपकी ओर आ रहा हूं। तो मुझे वो एक आज कल का बयान मेरे 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 ध्यान पे कल आया था। ये इनके जो अद्भुत अद्भुत नेता लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अलग अलग कुछ मुझे लगता है अलग डायमेंशन से आए हुए लोग हैं। वो आ ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है, मयूर भाई सॉरी, हमारे एक दर्शक जो है वो लिख दिया है, उन्होंने कहा कि मनहूस बोलते हैं हमारे बिहार में। सही लिखा है, गौसेन अच्छा, आप बुद्ध, हाँ गौसेन वर्ग बोल रहे हैं तो उसको हाँ मनहूस हाँ बोलते हैं। जी अच्छा, मतलब वो शब्द वहां पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये ब्रिजभूषण शरण सिंह का वीडियो देखा मैंने सर, वो प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों का सम्मान करने के लिए मंच पे खड़े थे। वहां उन्होंने कहानी सुना दी कि 7वीं कक्षा में 2 बार फेल होने के बाद तीसरी बार कैसे पास हुए। वो बगल में बैठे हुए विद्यार्थी को कहा कि अंग्रेजी का पेपर है भैया, हमको अंग्रेजी देवी जो है पसंद नहीं आती, वो भी हमें पसंद नहीं करती, तुम चुपचाप पहले हमारा पेपर लिख दो वरना तुम्हारे हाथ पे तोड़ देंगे 7वीं कक्षा। तो ये इतने अद्भुत अद्भुत क्षमता और पता नहीं कौन कौन सी कला और योग्यता वाले लोगों की पार्टी है ये, जहां पर दलितों का ये एक रिकॉर्ड रहा है। मैं इस मामले में मेरा थोड़ा रिसर्च भी रहता है। भारतीय जनता पार्टी का जहां जहां भी शासन रहा राज्यों में भी, तो वहां भी दलितों पर के अत्याचार जो है उसमें आपको हमेशा कोई ना कोई मात्रा में बढ़ोतरी ही नजर आएगी। तो ये आंकड़े इनको कभी दिखते नहीं है। और कांग्रेस में दलित नेता का अपमान हो रहा है ये प्रधानमंत्री को दिख जाता है। दिनेश जी, माइक आपका। वो ये जो दलित शब्द के साथ खेल चल रहा है, इसको आप समझने की कोशिश इस तरीके से करें कि अभी तक पिछले 14 का इलेक्शन रहा हो या 2019 का इलेक्शन रहा हो, इन्होंने एक फॉर्मेट अपना सेट कर लिया कि दलित के नाम पर हम देश में जो बहुसंख्यक हैं उनको अपने साथ जोड़ लें, क्योंकि एक तादाद की बात होती है कहीं भी किसी भी क्षेत्र में। इनको एक फॉर्मेट मिला है कि दलित के नाम पर, मैं एक दलित ही नहीं, मैं गरीब, मैं चाय वाला, मैं दलित, मैं मतलब सताया हुआ, मतलब नीचे वाले समाज से आया हुआ व्यक्ति, और वो सामने शाही परिवार, युवराज और ये सब चीजें आप पिछले एक लंबे अरसे से ये सुनते हैं और देखते आ रहे हैं। अब हुआ क्या, मोदी जी ने एक जनसभा में बड़े जोर शोर से ये कहा कि ये शाही परिवार के लोग, एक परिवार के लोग बार बार, और ये सत्ता को छोड़ नहीं पा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जहां दलित को आगे लेकर आ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी जो है उन्होंने दलितों का सम्मान कभी किया ही नहीं है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मल्लिकार्जुन खड़गे जी एआईसीसी के प्रेसिडेंट हो जाते, वो एक ऐसा झटका था इनके लिए जिससे ये बौखलाहट बढ़ती चली गई। उसके बाद इलेक्शन होता है हिमाचल प्रदेश में, इलेक्शन होता है कर्नाटका में। हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन में खड़गे जी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा। ऑल दो यहां पर प्रियंका गांधी ने खुद कैंप किया, वो एक बहुत बड़ी बात थी। फिर उसके बाद मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी की अध्यक्षता में कर्नाटका का इलेक्शन बंपर मेजोरिटी के साथ ये जीतते हैं। साथ के साथ उसके पहले आप थोड़ा सा पीछे हटें तो जो रैली थी भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी की, उसमें हर वर्ग से लोगों ने आकर एक अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट उस रैली को दिया। और वो मोहब्बत की दुकान की बात जब राहुल गांधी ने की तो वो इनके गले नहीं उतरने लगे। जब ये इस तरह की परिस्थितियां बन गई कि अब आगे करना क्या है, तो इनकी खुद की शब्दावली आपे से बाहर हो गई। आपको याद होगा इन्हीं के नेताओं ने गोली मारो सालों को, मूर्ख मूर्खों के सरदार, और पता नहीं क्या क्या, कोई भी शब्द इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको याद दिलवाना यही चाह रहा हूं कि यहाँ पीछे एक हत्या हो गई किसी आपस की रंजिश की वजह से, और वो बाद में पता तो ये लगता है कि वो कारण कुछ पारिवारिक रहे होंगे, लेकिन उसको भी हिंदू मुस्लिम रंग देकर
उसका रैलियां प्रदेश भर में शुरू हो गई। तो ये जहां भी मौका देखते हैं वो अपना जो भड़ास है उसको निकालने का एक प्लेटफॉर्म ढूंढ लेते हैं कि जहां भी जिस तरीके से भी ये करें। और अब जो परिस्थिति हुई है खराब इसलिए क्योंकि इन लोगों ने इस ये जो 5 स्टेट्स के इलेक्शन है इनमें अपनी ये बुरी हालत का उम्मीद नहीं किया था। ये जो हालात इस वक्त जो सामने आ रहे हैं 5 स्टेट्स के इलेक्शन है, 2 में आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ है और अभी राजस्थान में अगले कल पोलिंग होने को। तो ये जो परिस्थितियां हैं ये जो इनसे इनके कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं इससे इनका आपा खोते जा रहे हैं ये। और वापस वो जो दलित कार्ड है उसको प्ले करने के लिए ये खड़गे जी को पहले तो उन्होंने कोशिश ये यहां तक करने की कोशिश की कि वो खड़गे जी को कहीं ला नहीं रहे हैं, लेकिन अभी नवीन जी ने बड़ा क्लियर कर दिया कि यहाँ जो परिस्थितियां हैं राजस्थान में वहां किसी पोस्टर पे किसी होर्डिंग या बैनर के ऊपर खड़गे जी हैं तो किसी पे राहुल है, किसी के ऊपर सोनिया होंगी तो कहीं आपके प्रियंका होंगी, इसी तरह वहां के स्टेट प्रेसिडेंट होंगे। तो वो एक इन्होंने पैटर्न क्रिएट कर दिया कि इस तरह से वहां पर ये सब होगा। लेकिन मैं फिर इनकी बात को एंडोर्स करता हूं कि मोदी जी और इनके जो आसपास के लोग हैं उनको वो एक ही चेहरा बार बार देखने की आदत पड़ गई है। और मोदी जी को भी अगर अपने क्षेत्र में भी कहीं वो घूम रहे हों तो अपने बीजेपी के पोस्टर के ऊपर किसी दूसरे का चेहरा देखकर उनको वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनको गुस्सा, उनका हाव भाव भंगिमाएं चेंज हो जाती हैं। मतलब ये क्या है, ये परिस्थिति जो है ना, मैं क्यों नहीं हूं, मतलब जहां चाहिए वहां मैं चाहिए और मैं नहीं तो कोई नहीं, या तो सिर्फ मैं ही क्यों नहीं हूं और कोई क्यों है, ये भी है। ये बड़ी बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि डेमोक्रेटिक सेटअप में आप रजवाड़ा शाही वाला सेटअप आपके ऐसा मुझे तो यूं लगता है कि इनके अंदर एक वो कॉम्प्लेक्स है कि मुझे उस लेवल पर वहां पहुंचना है जहां पर मेरे सिवाय और कुछ ना हो। तो देश अब उस प्रथा से बाहर आ चुका है, रजवाड़ा शाही से भी बाहर आ चुका है। तो आप चाहे अब 10 लाख का सूट पहने, आप चाहे 10 करोड़ का सूट पहन ले, आपको लोग जनतंत्र में अपना सेवक ही मानकर चलेंगे। अगर आप उनका काम नहीं करेंगे, उनके हिसाब से नहीं चलेंगे तो आपको नकार दिया जाएगा। तो ये हालात हो गई हुई है कि एक तो वो झूठ पर झूठ और दूसरा हाल ही में वो पनौती पे जिसपे आप चर्चा कर रहे थे, पनौती एक शब्द इस बात को एंडोर्स नहीं करता हूं कि और उनसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा शब्द वो बोल देंगे और किस फ्लो ऑफ मोशन में वो बोला गया है वो एक अलग इशू है। लेकिन कुल मिलाकर आप देखें तो मैं बीच में आपको एक सेकंड रोक रहा हूं, ये मुझे भी मतलब मैं भी इससे सहमत नहीं था कि प्रधानमंत्री के लिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सुरेंद्र राजपूत ने आज एक ट्वीट किया है और उस चीज को अपने हिसाब से पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह से जस्टिफाई किया है वो भी एक बड़ा लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। कभी आप टाइम निकाल के सुरेंद्र राजपूत ने ट्वीट कर लीजिए। मैं उसी चीज पर आ रहा हूं कि रोज कोई मुझे गाली निकालता रहेगा तो एक दिन मेरे से भी मेरा नियंत्रण भी तो आपा खोएगा ना। तो वो चीज हम कब तक, मतलब एक इंसान कब तक रोजाना वही, यार हद हो गई है किसी बात की। अब तो इलेक्शन चल रहा है, आप हजारों लाखों लोग आपके सामने हैं, आपको टीवी और दूसरे चैनल सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है, आप अपने शब्दों पे नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। मतलब हालात इस तरह के हैं, आप मूर्खों के सरदार बोल रहे हो, आप कुछ बोल रहे हो, मतलब कुछ भी चलेगा, लेकिन आपको एक शब्द। और हैरत की बात यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश चुप। ये मेरा ये दुर्भाग्य जो है ना सर, देश में जो पत्रकारिता का जो ये हश्र हो रहा है, इन्होंने किया है, ये करके हुआ है, ऐसा नहीं थे वो लोग भी, मैं जानता हूं उनको पिछले कई सालों से, लेकिन ये अचानक इस तरह का जो बदलाव आया है ये उन्होंने एक ऐसी चीज, ये मतलब कुछ लोगों को ये बता दिया कि जब तक मैं जिंदा हूं मेरे सिवाय देश में कोई दूसरा सिर नहीं उठा पाएगा। लेकिन राहुल गांधी की रैली ने और इनकी इनकी खुद की कारस्तानी जिसको बोलते हैं करतूतों ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि अब ये खुद ही उन फ्रस्ट्रेशंस में उलझे हुए हैं। तो कुल मिलाकर हालात जो हैं वो सिर्फ यही हैं
कि किसी तरह से जो कार्ड हाथ से फिसल गया है, वो दलित वाला, वो फिसल गया हुआ है, उसको कैसे वापस पकड़ा जाए। और ये किसी तरीके से ये जो गुड बॉय का एक लेबल अब राहुल गांधी के ऊपर लगा है, उसको किस तरह से उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। तो अब यही एक साधन इनके पास बचा है, क्योंकि इनके पास ना मुद्दे हैं, ना इनके पास कोई सोच है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम जाति और ये वो सब करा के उसी से आगे बढ़ना चाहते हैं। इनके पास कोई विकास का बात नहीं है, इनके पास कोई रोजगार की बात नहीं है, इनके पास कोई इंटरनेशनल या फॉरेन अफेयर पॉलिसी नहीं है, इनके पास कोई इकोनॉमिक प्लान्स नहीं है देश को किस तरह से आगे बढ़ाना है। हालत ये है कि देश 55 लाख करोड़ के कर्जे में था, आज 170 लाख करोड़ के कर्जे में बैठ गया है। तो ये इनका जो जिसको बोलते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो एक लबादा, एक वो भ्रम पैदा किया गया है, वो सब इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। देश को बेचना चाय के बाद, अब देश बेचने का काम चल रहा है, और इसीलिए लोग इनसे विमुख हो रहे हैं।